नमस्ते सस्त्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बादशाह रियाज पाटिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉपिक्स के चौथे एपिसोड में, जहां हम बात करते हैं देश और दुनिया के सबसे बड़े सवालों पर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, इसलिए कि आप सभी लोगों ने मेरे सभी वीडियोस को जो है इस वीडियो सीरीज के बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। इसलिए और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इससे मुझे बहुत ज्यादा मदद होती है और अच्छी तरीके से वीडियोस बनाने में। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज का सवाल पूछा है हमारे शॉप के सुपरवाइजर शहबाज भाई ने, जिनका सवाल ये है कि बाकी देशों के मुकाबले अपने हिंदुस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस इतने ज्यादा क्यों हैं? यानी पेट्रोल डीजल और एलपीजी के प्राइसेस बाकी देशों की तुलना में हिंदुस्तान में क्यों ज्यादा लिए जाते हैं? आज यही सवाल हिंदुस्तान का हर एक आम आदमी जो है सरकार से पूछ रहा है कि हिंदुस्तान में बाकी देशों की तुलना से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के भाव इतने ज्यादा क्यों हैं? बल्कि हिंदुस्तान तो दुनिया का वो 10वां सबसे बड़ा देश है जो दुनिया भर में सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जो है एक्सपोर्ट करता है। और जिन देशों को हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, वही देश जो है हिंदुस्तान से कम रेट में जो है अपने नागरिकों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए आज हिंदुस्तान का हर एक आम आदमी जो है सरकार से सवाल पूछ रहा है कि जब आप एक्सपोर्टिंग प्राइस में पेट्रोल के पीछे 32 से 34 रुपए लगाते हो और डीजल के पीछे 34 से 36 रुपए लगा रहे हो, और जब आप वही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अपने ही देश में जब बेच रहे हो तो उसको पेट्रोल को बेचते वक्त 80 से 90 के बीच में लगा रहे हो और डीजल को 70 से 80 के बीच में लगा रहे हो, तो ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है? इसका जो सवाल है आज हिंदुस्तान का हर एक आम आदमी सरकार से पूछ रहा है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इन सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ने और कम होने के पीछे किन चीजों का हाथ होता है। सबसे पहली चीज जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के भाव कम ज्यादा होने के लिए कारणीभूत है वो है इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव। दूसरी चीज है उस कच्चे तेल को रिफाइंड ऑयल में कन्वर्ट करने के लिए कितना खर्चा होता है। तीसरी चीज है टैक्सेस, जो हिंदुस्तान में आज सबसे ज्यादा जो है आकारे जाते हैं स्टेट और सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके साथ साथ वैट्स और अदर चार्जेस को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। फिर इन सभी चीजों के बेरीज के बाद जो है एक एस्टिमेटेड वैल्यू जो है डिफाइन की जाती है किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के विक्री के लिए। आज के इस पूछे गए सवाल का जवाब बहुत ही आसान है। आज जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के भाव आसमान छू रहे हैं, उन सभी चीजों के पीछे का एक ही जो है कारण है वो ये है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाने वाले कर। आज हिंदुस्तान दुनिया का एकलौता देश है जहां पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के पीछे 60 से 70 टक्के के बीच में जो है कर लगाया जाता है। यानी आप अगर 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदते हो तो उसमें से सिर्फ आप 30 रुपए जो है पेट्रोल के लिए दे रहे हो और बचे हुए 70 रुपए जो है वो सरकार को कर के रूप में दे रहे हो। और रही बात इंटरनेशनल मार्केट की, तो यही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है 32 से 38 रुपए के बीच में जो है इंटरनेशनल मार्केट्स में बेचे जाते हैं, और इसीलिए दूसरे देशों को हम लोग एक्सपोर्ट करने के बावजूद भी वो देशों में इन सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमत है वो हिंदुस्तान के मुकाबले बहुत ही कम है, क्योंकि वो अपने नागरिकों के पास से कम कर जो है लेते हैं ताकि नागरिकों के जेबों पर जो है भार ना पड़े। और इसीलिए आज हिंदुस्तान जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के मामलों में बहुत ही महंगा हो चुका है। और जब तक हमारे देश की सरकार जो है कोई कड़ा कदम नहीं उठाती, जब तक हमारे देश की सरकार इन सभी करों को जो है कम नहीं करती, तब तक जो है इन सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो है प्राइजेस कम नहीं होने वाले। इस वीडियो को पूरी तरीके से देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और उसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाजू में घंटा आएगा, उस घंटे को भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिले। और उसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में जो है आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे के वीडियो के लिए आपके जो प्रश्न है वो लिख के मुझे बताएं, और अपने दोस्तों में भी जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए सवाल के साथ। जय हिंद।